अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप मेरे साथ ये देखकर परेशान होंगे कि क्या चल रहा है भाई आज और मैं कहाँ पर हूँ। तो आज मैं अपने गांव आया था और ये मेरा बचपन का घर है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। तो मैं अकेला आया हुआ था किसी काम से, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत कचरा हुआ हुआ है यार, तो इसको पहले साफ़ करना चाहिए। जहाँ पर इंसान रहता है तो उसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जानवर जहाँ भी रहते हैं वो पहले उस जगह को साफ़ करते हैं फिर वहाँ रहते हैं। तो मैंने भी सोचा यार कि बहुत हालत ख़राब है, थोड़ा सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है तो लाजमी है ये। तो हालत बहुत ख़राब है, मैं ऊपर आया तो छत पे, पहले मैंने कहा छत से शुरू करते हैं। तो देखें कितना कचरा और मिट्टी, और ये देखें। तो ये पहले यहाँ से साफ़ करेंगे इंशाल्लाह, फिर नीचे जाएंगे। तो आज कल वो लोग कुछ खास नहीं है मगर बहुत खास है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। तो अंदर चलते रूम में। तो ये रूम में ये देखें कुछ ये सामान बिखरा हुआ है। पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको साइड पे कर दें, ये मिलाद का सामान है पूरा रबी अव्वल का इंशाल्लाह। तो ये देखें पूरा जाला वाला जो है ना यहाँ पर थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। तो ये भी है लाजमी है, इंसान को करना चाहिए। हमारे घर वाले करते रहते हैं, बहनें अम्मी ये सब करते रहते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। लड़के होने का मतलब ये नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम काम कर सकते हैं, लड़के भी काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये अच्छी बात है अपने घर को साफ़ करना, करना चाहिए इंसान को यार। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी। ये जो निशाना नज़र आ रहे हैं ये बारिश के निशानात हैं, जो बारिश हुई थी, इतनी हैवी बारिश हुई थी तो इसी वजह से इतने निशानात पड़ गए हैं। ये जो ना अभी तक ये ऐसे फील हो रहा है जैसे ये दीवार जो ना पूरी गीली है पानी से, ये बारिश इतनी तेज़ हुई थी, हैवी रेन हुआ था जो अभी रिसेंटली, तो बहुत नुकसान हुआ है। खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि बचत है काफ़ी, मगर नुकसान तो बहुत हुआ है, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र। ये जो मेरा घर है ये पूरा रिकन्स्ट्रक्ट होगा, रिकन्स्ट्रक्शन होगी इसकी। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने दिया तो इंशाल्लाह इसको हम दोबारा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। ये तारे तारे ऊपर, ये बहुत कचरा है, इंशाल्लाह साफ करेंगे। झाड़ू लेकर आए, झाड़ू लेकर आएंगे नीचे से। ये देखें ना कितना कचरा है, ये देखें मिट्टी है, ये पानी, अभी मैंने मोटर चलाई है, टैंक से पानी बह रहा है, पूरा ये कचरा किया हुआ है। ये मोटर लगी हुई है, ये जड़ का पानी है, मीठा मीठा प्यार प्यारा प्योर प्योर, ये हमारा घर है भाई, ये हमारा घर है। और ये मोटर देखा आपने, मोटर पंप लगा हुआ है, पूरा ज़मीन से पानी आएगा, मीठा मीठा प्योर प्योर जड़ का पानी है, ज़बरदस्त। ये देखें अब ये मोटर चलाएंगे, जब साफ करेंगे पूरा तो देखेंगे पानी कितना प्यारा है, कितना मीठा है और लजीज। ओह माय गॉड, वाओ। कचरा है, बहुत मिट्टी है, धूल मिट्टी जमा हो गई है यहाँ पर छत पे। तो आप देख रहे हैं कैसी हालत हो रही है, तो ऐसे होती है सफाई। लेट्स रॉक ऑन बॉयज, हम बॉयज भी सफाई कर सकते हैं। तो अभी तो यार बहुत काम है, बस हवा निकल गई, अभी फर्श भी धोना है, चलें कंटिन्यू, वन टू स्टॉप। तो भाई ऊपर छत से कचरा बहुत निकला है, ये देखें ये सिर्फ छत से कचरा निकला है, अभी और बाकी है। नीचे हम जाएंगे तो सफाई करेंगे, और हमें हमारे साथ बने रहें और सीखें हमसे सफाई करना कि सफाई कैसे होती है घर की। ये देखें सीढ़ियों से जाएंगे नीचे, मजीद और कचरा है, ये अभी फर्श धोएंगे जब पानी से, तो ये मिट्टी चली जाएगी जो रह गई थोड़ी बहुत। तो दोस्तों जब अपना घर होता, तो दोस्तों जब अपना घर होता है ना ऐसे सफाई करनी पड़ती है यार, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सिंगल हैं, जब शादीशुदा हो जाएंगे फिर तो
करेंगे ना, अब इज्जत से कर रहे हैं, बाद में जिल्लत से करें, इससे अच्छा है कि इज्जत से करो, अभी से सीख लें इन सारा काम तो इज्जत होगी, वरना आपको पता है शादी के बाद क्या होना है, किसकी चलनी है, और वही तो हम करेंगे अभी पाकिस्तानी जुगाड़। तो पाकिस्तानी जुगाड़ देखें, ये तो पाइप इसमें आए हुए नहीं, इस पाइप के लगाने के चक्कर में ये पाइप टूट गया, एक पाइप लगा दें दूसरा पाइप टूट जाता है। तो अभी इसको जोड़ें, फिर इसको जोड़ें, फिर सफाई करें। कीप इट अप। मोटर का बन गया जुगाड़, मोटर का जुगाड़ बन गया, ये भी हो गया, अभी हम मोटर ऑन करते हैं। इसको पकड़ के आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ अपनी जगह पर, आ जाओ। मोटर ऑन, मोटर ऑन हो गया, चलते हैं ऊपर। ऊपर चलने की बात करेंगे, ऊपर की सफाई पहले। पानी आ रहा है, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, अभी इस पानी से करेंगे सफाई। तो नाजरीन ये आ गया पानी। तो ये हो रही है सफाई, सफाई होती है ऐसे, देखो 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 देखो। पहले पानी से पूरा साफ करेंगे, जितनी मिट्टी है ना, ये मिट्टी। तो नाजरीन ऐसे होती है सफाई, और मैं जब भी आता हूँ अमूमन मेरा यहाँ होता है तकरीबन गांव में, तो हम ऐसे ही सफाई करते हैं, और अमूमन हम नहीं पर मैं अकेला ऐसे ही सफाई करता हूँ पूरे घर की। तो अभी ये कंटिन्यू चलेगी, तो मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। तो ऐसे होता है काम, अभी भी सफाई चल रही है, ऊपर से पूरा कर दिया कंप्लीट। ये देखें ऊपर से पूरा साफ हो गया, ये खुश हो गया, अभी धूप की वजह से ये पूरा अच्छा चमक रहा है, अभी देखेंगे तकरीबन ऊपर पोर्शन की, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अभी हम नीचे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और वहाँ पर पूरी सफाई करेंगे। अभी देखें मिट्टी शट्टी ख़त्म, जाला वाला साफ हो गया पूरा। अपना घर है भाई, अपना घर साफ नहीं करेंगे तो किसी और का करेंगे। ये देखें A1 हो गया। और मज़े की बात इस व्लॉग के, और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, ये व्लॉग तो बन रहा है मगर ये अपडेट जा रही है, अम्मी को अपडेट जा रही है कराची के, भाई आपका घर साफ़ कर रहा है आपका बेटा, आपका हुनार बेटा घर साफ़ कर रहा है। ये व्लॉग के साथ साथ अपडेट भी जा रही है, तो काइंडली इस अपडेट को सपोर्ट करें, और मेरी मेहनत को भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो मज़ीद अभी हम नीचे वाला पोर्शन करेंगे, ये जाला नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, ये भी साफ करेंगे और नीचे पूरी सफाई करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ऊपर से हो गए सारे, अभी नीचे आ गए, जाला साफ कर रहे हैं, पहले जाला उतारेंगे पूरे घर का, फिर हम फर्श की सफाई करेंगे। देख कितना कचरा है, अभी इसमें थोड़ा बहुत जाला है रूम में, तो ये रूम थोड़ा साफ करेंगे, फिर दूसरा रूम साफ करेंगे, उसके बाद फर्श धोएंगे, फर्श धोने के बाद हम होंगे फ्रेश। तो नाजरीन पूरी सफाई हो गई, पूरा घर साफ हो गया ऊपर से नीचे तक, पूरा तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। ये देखें अभी भी फर्श गीला है, ये रूम वूम साफ हो गए, पंखे चला दिए, ये भी साफ हो गया, पंखे चला दिए, सारा देखो चमक रहा है, ऊपर से भी देखो
ऊपर भी साफ हो गया है पूरा, ये भी, ये देखें अब भी पूरी मट्टी मट्टी खत्म हो गई, पूरा साफ हो गया है, वीआईपी हो गया है, ज़बरदस्त हो गया। अभी हम देखें हमारे वाला देखें तो साफ हो गया पूरा। अभी जो बारी है हम फ्रेश हो जाए, नहाएं, ये मिट्टी वट्टी बालों में देखें क्या हालत बन गई है मेरी। तो मेहनत लगती है भाई हर काम में, तो घर साफ हो गया अभी, मज़ा आ रहा है, अच्छा अच्छा देखने में भी। मेहमान आए, गेस्ट आए, दोस्त आए, तो बैठ सकते हैं उनके साथ और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पर। मैं सोचा था यार ये इतना ख़ास तो ब्लॉग नहीं था, मगर अहम भी थोड़ा बहुत था, ख़ास नहीं था मगर थोड़ा बहुत अहम था। किस हिसाब से? क्योंकि सफाई के हवाले से, सफाई न सही माने। तो मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया कि लोगों को, लड़कों को स्पेशली जो जेंट्स है वो भी शर्माए नहीं, काम करें, अपने घर का काम करना सुन्नत है भाई। तो घर का काम क्या करें, दोस्तों के साथ, यारों के साथ शेयर क्या करें बातें यार ये, ताकि लोगों को जो है ना पता चले कि हमारा दिन में क्या सिखाता है। तो सफाई का था सारा व्लॉग, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार वो क्या सोचेंगे, छोड़ो लोगों को सोचने दें, हम अपना काम करते हैं। तो ऐसे ही अपने घर को, मोहल्ले को, अपने मुल्क को साफ रखें, अच्छा रखें। स्पेशली कराची में देखें जैसे हर जगह कचरा कचरा किया हुआ है, तो कराची को भी साफ़ करना हमारा फ़र्ज़ है। ये नहीं कि यार वो साफ़ करेगा, हम खुद से तो मेहनत करें, हम खुद पे इम्प्लीमेंट करें, एक एक दो दो तीन चार आर जैसे बढ़ते जाएंगे तेरा सब कुछ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कराची में होगा, क्योंकि मैं आपसे कराची आ जाऊँगा इंशाल्लाह कल। तो उसके बाद बात करेंगे मस्जिद कराची में। ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।